तो और क्या हालचाल दोस्तों, ये है अपने पास लावा अग्नि 3 और इसका ना फटाफट गेमिंग टेस्ट करके देखते हैं कि कितना अच्छा तगड़ा फोन है, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे। अभी जो फोन में बैटरी है 59%, तो अगर फोन की ग्राफिक सेटिंग्स देखोगे तो स्मूथ पर 60 FPS है, बैलेंस पे अल्ट्रा FPS है। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पर जो गेम प्ले है आप स्मूथ पर 60 FPS रख के खेलोगे, और यहाँ पर कलरफुल रख देंगे एक बार, एंटी अलियासिंग डिसेबल रहेगा और बाकी सारी सेटिंग चेकआउट कर सकते हो, और जायरो ऑलवेज ऑन करके रखा हुआ है। और रही बात फोन टेम्परेचर को लेकर, तो वो समवेयर 29 डिग्री है, और रूम का टेम्परेचर देखोगे तो वो भी अराउंड कुछ 27 के आसपास है, क्योंकि एसी भी बंद रखा हुआ है मैंने। सो यहाँ पर 1 घंटे का गेम प्ले करेंगे और लेट्स सी लावा अग्नि 3 किस तरीके से परफॉर्म करता है, अच्छा है कि नहीं। और आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो है ना मैंने ब्रांड्स के साथ काम नहीं किया है, ये वीडियो मतलब ये फोन ब्रांड से मुझे आया नहीं है, मैंने इसे कहीं से जुगाड़ कर लिया है ताकि एक अर्ली फटाफट आपको गेमिंग रिव्यू वगैरह बता सकूं कैसा निकल कर आता है, क्योंकि अराउंड 20,000 के आसपास आने वाला फोन है, तो उस हिसाब से बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि ये फोन अच्छा है बुरा है वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो TDM की सेटिंग रखे खेली है, स्मूथ पर 60 FPS रखे खेलने वाले, और इसमें ना कोई ऐसा परफॉर्मेंस मोड में चेक कर रहा था ऐसा कुछ ज्यादा मिलता नहीं है, सिर्फ एक है ना साइड में साइड बार आता है, तो इस तरीके से कुछ साइड बार आता है जिसमें नॉर्मल कुछ नोटिफिकेशन और ऑप्शन आते हैं, लेकिन नीचे एकदम सबसे देखोगे ना सेटिंग दिखेगी, तो जैसे ही उसे टैप करते हो तो ये एक अलग जगह पे लेके जाता है। तो यहाँ पर गेम एक्सेलरेशन ऑन कर दिया है, गेम साइड बार जो अभी मैंने जिस तरीके से आया वो सब ऑन है, डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन बंद रखा हुआ है, मुझे लगता नहीं है क्योंकि वो करूंगा तो शायद से परफॉर्मेंस में इशू आ सकता है। फिर परफॉर्मेंस पे देखोगे तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी ऑन है और इन्हांसमेंट वगैरह भी ऑन है, और बाकी ज्यादा कुछ जैसे एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने मिलते नहीं है। तो नाउ अगर रही बात जायरो परफॉर्मेंस को लेकर, तो जायरो में मुझे ऐसा कोई डिले लग नहीं रहा है, जायरो की परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट अच्छा एक्यूरेट देखने मिल रही है। अगर एक छोटा सा स्प्रे भी देखेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से डॉट को कहीं हम लोग रख लेते हैं, और लो बंदा ही आ गया इसी बीच में पीस गया बेचारा। तो TDM पे तो देखो यहाँ पर 60-57 पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर लेता, हल्का सा बड़ा भी 60 FPS रखा हुआ है, बट जैसे ही आसपास में हल्का सा बंदा आएगा ना, तो जैसे मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ 59-60 वाला FPS, तो TDM पे तो यार इतना बुरा नहीं है, जायरो भी अच्छा है। कर्व डिस्प्ले होने के बाद में भी मुझे फ़ोन पे ग्रिपिंग तो फिलहाल अच्छी देखने मिल रही है, और इसमें 3.5mm का जैक भी देखने मिलता नहीं है। और इसमें ना एक स्पेशल एबिलिटी है फ़ोन की, इसके पीछे ना एक हल्का सा डिस्प्ले है, हालांकि उसमें आपको ज़्यादा गेमिंग वेमिंग नहीं कर सकते, बस एक एक्सटर्नल डिस्प्ले है। वैसे लावा अग्नि 2 आपको 20,000 के अराउंड देखने मिल रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है एक बार है ना मुझे बताना जस्ट कॉमेंट में। तो अगर आप इसका लाइव FPS टेस्ट देखना चाहते हो ना, तो कॉमेंट में एक बार मस्त में बता देना कि हाँ लाइव टेस्ट देखना है इसका। और इस वीडियो पे हम लोग है ना एक अराउंड 5,000 का लाइक का टारगेट छोड़ देते हैं, तो अगर जिन लोगों को इंटरेस्टेड होगा तो मुझे समझ जाएगा और मैं उस हिसाब से इसका लाइव स्ट्रीम लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। तो भाई ऑफ कैमरा बहुत खेल के देखा है हमने, और जितना देखा ना मतलब ऑलमोस्ट इतना पता चल गया कि ये TDM पे तो आराम से 60 निकाल ले रहा है। तो मल्टी फिंगर मल्टी टच यूज करने पर भी ऐसा नहीं है कि FPS के ड्रॉप्स वगैरह देखने मिल रहे हैं, वहां पर तो प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है। सो TDM की सिंपल कहानी बता देता हूँ। ऑन कैमरा तो आपने एकदम छोटा सा एक गेम प्ले देखा होगा, बट हम लोग ने इस पे 3-4 घंटे खेल के देखा TDM, और इतना फील बता देता हूँ 60 आराम से करा लेगा, इसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो डायमेंसिटी 7300X प्रोसेसर इन्होंने यूज करा है, और बेसिकली TDM पे तो 60 अच्छा चलवा देगा, वहां पर मुझे कोई ज्यादा शिकायत नहीं है इसको लेकर। अभी बात करेंगे इरेंगल में, और क्योंकि हम लोग मेन इवेंट पे भी कूदेंगे, और FPS कितना स्टेबल रख रहा है नहीं रख रहा है वो पता चल जाएगा। तो हम लोग है ना एकदम हैवी कूद के देखेंगे, बेसिकली इवेंट पे कूदेंगे, और क्योंकि इवेंट पे भी आपको ही पता है बंदे ज़्यादा आते हैं, और वहाँ पर अगर 40-50-30 बंदे भी कूद जाएंगे तो ऑलमोस्ट एक सिंपल सा आइडिया लग ही जाता है कि FPS कितने अच्छे कितने बुरे वो तो आपको पता चल जाएगा। देखो सिंपल बात है, तो हम लोग वहीं कूदेंगे, लेट्स सी किस तरीके से FPS में चीज़ें सही रहती है या पूरा हिलने ढुलने वाला काम हो जाता है वो पता चल जाएगा। देखो ये जो फ़ोन का डिज़ाइन है ना, मुझे हल्का सा ना एक पहले बहुत पहले एक Xiaomi का फ़ोन आया था, आई थिंक सो Xiaomi 13 Ultra, उसी के पीछे ऐसा कुछ डिस्प्ले उस्प्ले दिया था उन्होंने, लेकिन 80-90 हज़ार में लॉन्च किया था और बहुत लोगों को मिला भी नहीं था। बट यहीं पर अगर आप इनको देखोगे, लावा ने 20,000 के अंदर ये पूरा डिज़ाइन लेकर आया है। भाई मैं इसे कोई ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा यार, मैं तो खुश हो रहा हूँ ऐसे डिज़ाइन को देखकर, आप लोग का क्या थॉट है एक बार ज़रूर बता देना। चलो प्लेन से कूद चुके हैं, अभी यहाँ पर तो पता है भाई बंदों की बारात लगती है मस्त वाली, अभी 55-56 ऑलमोस्ट FPS 49 तक टच हुए हैं, लेकिन मैं लैंड होने के बाद ज़्यादा नोटिस करूँगा, अगर मैं इवेंट पे देखूँगा बंदे तो मुझे ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा। अभी तो 57-55 के अबव वाले FPS दे रहा है, बंदे आ चुके हैं ऑलमोस्ट 28-29 है, और 55 के अबव FPS फ़िलहाल तो मेनटेन कर रखा है, 33 के ऊपर बंदे हैं। लोएस्ट डिप मैंने 50-47 देखा अभी जस्ट,
बट वो इतना लैग जैसा कोई फील नहीं हो रहा भाई, सही बताऊँ तो। जब तक मेरे हिसाब से 40 तक नीचे आ जाएगा ना, तब तक तो लैग ऐसा फील होने रहा भाई। बंदे 40 भाई, ऑलमोस्ट 40 बंदे हैं, सॉरी 30 बंदे हैं, और FPS तो इसने लोएस्ट रखे थोड़े बहुत, जितना मैंने 45 के अराउंड देखा था साइड से। तो भाई लॉबी में स्टिल 24 बंदे अवेलेबल है, और उसके बाद में भी मुझे FPS की नहीं नहीं बाबा बाबा रिव्यू दे रहा बाबा, रुक जा बाबा भाई 60 के आसपास भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लावा अग्नि 3 कोई बात नहीं, बट हॉट ड्रॉप पे इतना सिंपल है भाई, FPS अच्छे से निकाले। मैंने सोचा था कि ये 40 तक डिप करवा देगा, लावा ने अच्छा ऑप्टिमाइजेशन किया है ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हॉट ड्रॉप पे बहुत सारे फ़ोन्स लाइक ड्रॉप कर देते हैं, मतलब 40 तक आ जाते हैं। हालांकि इसने भी 45 दिए, बट लैग और चिपकना जैसा फील होता है ना, या स्टटर कह सकते हो, वो अभी तक तो फील नहीं हुआ। एक बार फिर से कूद रहे, लेट्स सी वहाँ पर कितने बंदे मिलते हैं हमको और क्या सीन रहता है, समझते हैं। ए मार दी रे, मार दी मार दी। तो देखो ब्रांड ने इस फ़ोन को ना अराउंड कुछ 21,000 के नियर बाय लॉन्च किया है, और ऑफर लगा वगा के कुछ आपको 20,000 के अराउंड मिलेगा, बट उसमें ना आपको स्टार्टिंग में आई थिंक सो चार्जर नहीं मिलेगा, चार्जर के लिए फिर आपको हायर वेरिएंट देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इस बार लावा ने थोड़ा सा माइंड गेम खेला है। तो अगर आपको चार्जर चाहिए तो भाई यहाँ पर सीधा 2,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जबकि स्टोरेज और सब कुछ सेम है, रैम भी वैन सेम है, बट चार्जर के लिए आपको फिर 2,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। भाई ये कौन सा नया मामला है भाई, ये क्या चल रहा है, ये तो कुछ नया ही चीज़ देखने मिला आज। बट हाँ, अगर आप बिना चार्जर 20,000 के अंदर मिलता है 60 FPS की परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहा हूँ, तो मुझे तो फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा देखने मिल रहा है। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सभी सिनारियो में बेस्ट है, उसके लिए तो लाइक एक पूरा डिटेल रिव्यू आएगा टेकी पाठशाला पर। चलो अभी यहाँ पर इवेंट पे कूद चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी अगर बंदे देखेंगे तो भाई 5, 10, 11, 12 भाई किधर हो बंदो, जल्दी आओ मैं प्यासा हूँ, सबको काट लूँगा। तो भाई अराउंड 26 के अराउंड बंदे हैं, एनिमीज तो फिलहाल तो हैं थोड़े बहुत कहेंगे, बट मेरे को तो इतना एक्सपेक्टेशन अच्छा है कि भाई ये उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया जितना मैंने सोचा था कि लाइक लावा फ़ोन है FPS ड्रॉप कर सकता है। हालांकि अग्नि जो 2 आया था ना भाई, वो भी अच्छा गेमिंग करवाता था, पर एक टाइम के बाद में बेचारा वो भी रो दिया था। देखो भाई 48 FPS टच हुए थे हल्के से, 48 जस्ट, 45 स्टिल नीचे गया नहीं अभी तक, तो फ्लक्चुएट हो रहा है, पर मुझे गेम प्ले स्मूथ जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि लाइक मेरे को लैग हो गया, फ़ोन चिपक रहा है और मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बंदा स्टक हो गया, वैसा वाला फील तो फिलहाल नहीं आया। चलो भाई यहाँ छुपना नहीं है, ड्रिंक पी रहा था, ले ड्रिंक पी ले पूरा। चलो बेटा सामने आ जाओ। चलो भाई देखते हैं हमको वो बंदा फिर से मिलता है कि नहीं, प्रतिशोध का बदला लिया जाएगा यहाँ पर, पूरा हिसाब होगा। अरे भाई, अबे दो बंदे ले भाई, पड़ गई। तो इसका ना थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्राई करके देखते हैं, और यहीं पर ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप डिवाइस ऑडियो ले सकते हो, माइक्रोफोन ले सकते हो, इवन बोथ भी ले सकते हो। अभी के लिए फिलहाल हम लोग डिवाइस ऑडियो ले लेंगे बस, हालांकि क्वालिटी का कुछ पूछ नहीं रहा, तो मैं फिलहाल स्टार्ट ही कर देता हूँ, लेट्स सी कैसी क्वालिटी आती है इसकी। और एक मैच हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके चालू करेंगे, तो यहाँ पर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने चालू करी है, और थोड़ी देर इसमें भी गेम प्ले करके देखते हैं कैसा आता है। अगर अभी बैटरी देखेंगे ना तो वो अराउंड 51 पे आ चुकी है, तो अराउंड 25 मिनट का गेम हुआ है, तो 6% तक का बैटरी ड्रॉप हुआ है। अभी थोड़ी देर हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग खेल के देखेंगे, और उसमें भी कोई इवेंट पे प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो या तो जायरो ढंग से नहीं चलता, या कुछ ना कुछ इशू आ जाते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है और बाकी जो गेम प्ले हो रहा है इवेंट में, देखते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे स्क्रीन ड्रॉप करता है कि नहीं FPS वगैरह को, या फिर कुछ चिपकता वगैरह है कि नहीं, कि परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत भी चेंजेस आता है कि नहीं, वो पता चल जाएगा। तो इवेंट पे अभी कूद गए, ऑलमोस्ट घंटी वंटी भी बज गई है भाई यहाँ पर, तो 20 के अराउंड बंदे हैं, और बस एक बार थोड़ी बंदूक शंदूक हाथ में लग जाए। चलो मिल गया, छोटा मोटा माल तो मिल गया। 52 पर FPS है, जस्ट थोड़ा सा आया था, बस बाद में ऊपर नीचे हो चुका है,
55 के अराउंड। बाय बाय पड़ गई। तो भाई देखो ये फ़ोन की परफॉर्मेंस तो मुझे अच्छी देखने मिल रही है लावा अग्नि 3 की। अगर आपको कोई कंपैरिजन चाहिए फॉर एग्जांपल इसी प्राइस में अगर 20 तक मिलता है तो किसी रीजन से समझ लो तो वहाँ पर आईक्यू Z9S आ गया या Z9 आ गया। वैसे हाँ Z9 से याद आया, क्या आप लोगों को आईक्यू Z9 का वापस रीटेस्ट देखना है क्या? क्योंकि आईक्यू Z9 लास्ट जो 3.3 की अपडेट थी ना उसमें बहुत FPS के फ्लक्चुएशन कर रहा था। तो अगर आपको उसका भी कुछ ऐसा वीडियो देखना है तो डू कमेंट्स या फिर लाइक का टारगेट तो बता ही चुका हूँ, कर ही देता। एक बार फिर से इवेंट पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है और अभी मैं आज आपको है ना जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो पूरा दे रहा हूँ और एक है ना लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे जैसे कि एक हफ्ता और गेम प्ले वगैरह करने के बाद में फिर वहाँ पर वो एक अलग से रिव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बट फर्स्ट इंप्रेशन में क्योंकि अभी ये फोन प्री बुकिंग वगैरह पर है मेरे हिसाब से जहाँ तक है क्योंकि मैंने तो बाय नहीं किया है मेरे को, लेकिन हाँ ब्रांड से भी नहीं आया, मैंने कहीं से इस फोन को जुगाड़ कर लिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को अर्ली जितना जल्दी हो सके वीडियो दे सकूँ। अगर मैं बता दूँ कि लाइक हाँ मुझे ये फ़ोन 60 FPS पे अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, कहीं पर अटका वटका नहीं है कि FPS ड्रॉप्ड हो गया है, ऐसे सडन ऐसा कोई सिनारियो तो मुझे नहीं देखने मिला। तो मैं इतना कहूँगा वहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है अगर इसे मैं 20,000 की प्राइस के हिसाब से जज करता हूँ तब। बाकी ये सारा पूरा वीडियो था अभी के लिए, आधे घंटे हम लोगों ने टेस्ट किया और लो भाई निपटा दिया दो लोगों ने, लेकिन आधा घंटे हम लोगों ने टेस्ट किया। उस आधे घंटे के अंदर जो टेम्परेचर भी है फ़ोन का, पहले तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ एक बार, तो पहले एक बार टेम्परेचर ले लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो बंद कर दिए और टेम्परेचर समवेयर 33 के आसपास देखने मिल रहे हैं, बट बैक साइड अगर पैनल पे देखेंगे तो अराउंड 32-33 है और रूम टेम्परेचर भी अगर देखेंगे तो वो भी कुछ 27 के अराउंड है। तो रूम तो नॉर्मल गर्म ही है, फ़ोन भी ऐसा कोई गर्म वर्म हुआ नहीं है, 60 पे ज़्यादा गर्म भी नहीं होएगा फ़ोन, उतना तो है। तो ये अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी, इसकी अगर फाइल साइज़ देखोगे ना तो वो अराउंड कुछ 2.5 GB का बन गया यार। तो भाई इसकी जो फाइल साइज़ बनी है बहुत ज़्यादा बनी है वैसे, मैंने अगर नोटिस करने जाओ तो मतलब आईफोन से भी बहुत ज़्यादा बनी है इस तरीके से अगर देखोगे तो। और आधे घंटे की गेमिंग पे अभी जो हमारी फ़ोन की बैटरी भी आ चुकी है वो भी समवेयर 48% है, मतलब हाफ एन आवर की गेमिंग पे ऑलमोस्ट हमने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करी तो वहाँ पर बैटरी आ चुकी है 11% के अराउंड तक का बैटरी ड्रॉप हुआ और टेम्परेचर वगैरह वैसे तो कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो भाई ये था लावा अग्नि 3 का परफॉर्मेंस टेस्ट और गेमिंग टेस्ट बेसिकली FPS मीटर के साथ में। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जो भी कंपैरिजन और बाकी सब चीज़ें पूछी है लाइव स्ट्रीम वगैरह तो वो लाइक आप कमेंट करके बता देना तो हम लोग वीडियो बना देंगे। अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय।